ग्राम पंचायत मानपुर के सरपंच प्रत्याशी श्रीमती गंगा मीणा से आरपीडी न्यूज की सीधी बात। प्रतापगढ़ जिले की धरियावाद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मानपुर से श्रीमती गंगा मीणा चुनाव मैदान में आए हैं। आइए सुनते हैं सरपंच उम्मीदवार गंगा मीणा व समाज सेवी लालू राम मीणा के विचार। आरपीडी न्यूज में बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मानपुर पंचायत समिति धरियावाद। और अपने विशेष तौर से मानपुर की बात करें तो यहाँ की बार महिला सीट है और महिलाएं हैं वो राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और यहाँ अपने बातचीत करते हैं क्योंकि ये मानपुर पंचायत के अंदर तीन महिलाएं हैं और तीनों महिलाओं के एक ही नाम है गंगा। अब देखते हैं कि गंगा कौन सी गंगा, गंगा बहती है लेकिन फिर भी जो अपने साथ है ये गंगा देवी मीणा है। ये अभी बुजुर्ग है लेकिन आज भी हौसला रखती है, राजनीति में आगे बढ़ने का जज्बा भी रखती है। और उनके पुत्र हमारे साथ है लालू राम जी मीणा, उनसे खास बातचीत करते हैं कि उनके मुद्दे और मसले क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेके, किन एजेंडों को लेके वो चुनाव मैदान में आए हैं। लालू राम जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं लालू राम जी पूरा परिचय दीजिए, पहले भी आप किसी पद पर रहे हैं या फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में आए थे हमारी? पहले मैं किसी पद में नहीं था, कुल मिला के मैं कंस्ट्रक्शन लेवल पे पहले काम करता था उदयपुर जिले में सेक्टर था। फिर मेरा मन जहाँ पे वहाँ मेरे पास जो कार्य लेबर वगैरह कुछ आते थे तो मेरे पास काफ़ी शिकायतें आती थी जी जी। तो मेरे को बोला जाता था कि ऐसे देखो हमारे पंचायत में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है जी जी। मैंने कहा कि देखो समय आएगा तो अपन कुछ बदलाव लाएंगे जी जी जी। तो आप मेरा कुछ सहयोग करोगे तो मैं आपके साथ जुड़ सकता हूँ जी जी। फिर मैंने धीरे धीरे पंचायत स्तर पर आया, फिर जानकारी ली, कुछ ऐसी जगह जाके तो लोगों की काफ़ी मैंने पीड़ा बताई लोगों ने कि मेरे हमारे साथ बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा है जी जी। फिर मैंने विचार किया कि देखो लोगों को भावुकता, उनको भी जागरण अंदर से पैदा हुई जी जी। फिर मुझे कहा कि आप चुनाव लड़ो ताकि हमारा कोई परिवर्तन ला सके। बिल्कुल जी, लोगों ने कहा कि आप मैदान में आओ, तो अब तो आप मैदान में आ चुके हैं, अब आपके एजेंडे क्या है? आपके माता जी वो चुनाव मैदान में है, तो आपके मुख्य फोकस क्या इस पंचायत में मानपुर में ऐसी कौन सी समस्या है जिसे आप सबसे जल्द से जल्द समाधान करवाएंगे अगर आप सरपंच बनते हैं? हाँ जी, मेरा मूल कर्तव्य ये है इस पंचायत में चुनाव लड़ने का, क्योंकि सबसे नंबर वन शिक्षा की बहुत कमजोरी है जी जी जी। सन यानी 2002 के बाद बच्चा पढ़ रहा है, हमारे स्कूल में सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चा जब पढ़ने जाता है जी जी। तो कोई टाइम पीरियड नहीं है जी जी। सुबह जब 10 बजे टाइम है स्कूल का, 10 बजे के बाद टीचर वगैरह सब 10-12 बजे के बाद आते हैं और बच्चे के कोई बाहर घूम रहा है। कुल मिलाकर आपको लगा कि शिक्षा का स्तर काफी डाउन है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों को शिक्षा के प्रति, बालिकाओं को शिक्षा के प्रति आगे लाना चाहते हो? सरपंच साहब, इस क्षेत्र की बात करें तो नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, लोग नशे की तरफ जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं, इससे क्या लाखों लोगों के घर बेघर हो गए, तो ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए या लोगों को क्या समझाइश करेंगे अगर आप सरपंच बन गए? मैं अभी भी चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैंने सभी अपने जो कार्यकर्ता है उन सभी को रिक्वेस्ट मांगी है कि मैं किसी से न तो दारू और न पैसा कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, केवल मुझे ताकत दो तो मैं भी तुम्हारी कुछ ताकत दिखा के रहूँगा। शिक्षा के बारे में सभी को जागरूक करूँगा, शिक्षा ही तीसरी आँख है इंसान की, क्योंकि तीसरी आँख खुल जाएगी तो मैं भी ये पंचायत का कुछ परिवर्तन ला सकूँ मैं, ये मेरी आखिरी कोशिश बहुत बड़ा मुद्दा। सर, मानपुर को किस पंचायत, किस प्रकार की पंचायत के रूप में देखना चाहते हो, किस प्रकार बने आपकी पंचायत? क्योंकि पंचायत एक स्मार्ट सिटी की तरह बननी चाहिए, मैं यह देखना चाहता हूँ। और कुल मिला के जो धर्म यानी उसमें ऐसा प्रभाव हो रहा है, अपने मानपुर में कई अत्याचार हो रहा है लोगों के साथ हो रहा है, वो मैं मिटाना चाहता हूँ। बस सत्य सत्य होना चाहिए, न्याय न्याय होना चाहिए, क्योंकि इसीलिए मैं चुनाव लड़ने के लड़ रहा हूँ। कुल मिला के आपको लगता है कि कहीं अत्याचार हो, सभी को एक जाजम पे बिठाना, भाईचारे की भावना स्थापित करना, ये आपका मुख्य उद्देश्य रहेगा? सरपंच साहब, अपने क्षेत्र की बात करें कि तो क्या कि यहाँ ज्यादातर खेती पर डिपेंड है, ज्यादातर मजदूर है, किसान वर्ग ज्यादा है, तो उनके लिए आपके क्या प्रयास है? मेरा प्रयत्न ये है किसान को भी कुल मिला के सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि हर जगह उनको लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ मिल रहा है तो लोगों को, अनपढ़ लोग हैं उनको लाभ पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर जगह क्योंकि पढ़ाई शिक्षा नहीं है तो कुछ उनको लाभ नहीं दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, शिक्षा ही जीवन है, ये इनका एजेंडा है। साथ ही इनके माता जी है गंगा देवी मीणा, उनसे भी बात करते हैं कि उनके क्या विचार है, क्या एजेंडे है। सरपंच साहब नमस्कार। तो सरपंच साहब, आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए क्या करवाएंगे? सब काम कर, सभी काम करवाएंगे, पूरा एक वर्ड में जितने भी काम है वो एक साथ ही करवा देंगे? हाँ। कुल मिला के महिला है लेकिन कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज भी जज्बा रखते हैं कि अपने हौसले रखते हैं कि वास्तव में मेरे को ज्यादा ज्यादा काम करवाना है। तो इसी के साथ अपने वापस लालू राम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे युवा है यहाँ, युवा हमने देखा कि आपके यहाँ सुनने में आया कि युवा आपको काफी साथ दे रहे हैं, तो युवाओं के लिए आपके क्या प्रयास करेंगे? युवा के भी यही इच्छा है कि एक बार तुम आगे बढ़ो,
तो हमारा सरपंच आप निकल जाओ तो हमारी हमारी सभी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जी जी, ये उनका कहना है। लालू राम जी, जैसे पंचायती राज का नाम सुनते हैं तो भ्रष्टाचार बड़ा एक मुद्दा रहता है पंचायती राज में, तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए आपके क्या प्रभावी कदम रहेंगे? क्योंकि एक संगठन बनाऊंगा, एक जजम पे कुल सभी भाइयों को एकत्रित करके और उनको यही ज्ञान देंगे कि संगठन रहो। जी जी, संगठन रहने से अपना काफी किसी भी काम की समस्या होगी तो हम उसका काम पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, संगठन रह के सभी को एक साथ जाजम पे बिठा के विकास करवाना मुख्य मदद रहेगी। लाल राम जी, इस वक्त चुनावी सरगर्मियां जोरों पे, ऐसी स्थिति में कोरोना भी एक भयंकर बीमारी से वर्तमान में आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं? बिल्कुल, मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरा कर रहा हूं। जी जी। और पालन के आधार पे ही मैं चुनाव लड़ रहा हूं। जी जी, चोर हर दूर रहे, किसी अपने एक मीटर की दूरी पे रहे, ये मैं सभी लोगों से आश्वासन दे रहा हूँ। और लॉकडाउन का भी पूरी तरह से पालन कर रहा हूँ मैं। चुनाव करने से पहले किस प्रकार लोगों को संदेश दे, मतलब क्या होना चाहिए, संदेश क्या आपका, किस प्रकार से लोग वोटिंग करें? मेरा चुनाव वोटिंग इसी तरह से करें कि अपना जो मत है, जो बने बने निशान पे, जैसे अलमारी है मेरी, जी जी, तो अलमारी के निशान पे बटन दबा कर।